तो मार्वल की D23 अनाउंसमेंट के अंदर से सबसे ज्यादा जो रिवीलिंग हमारे सामने चीज आई है वो यहाँ पे सीक्रेट इन्विजन का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर था, जिसके अंदर हमें सीक्रेट इन्विजन की एक छोटी सी झलक देखने को मिली है और हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं सीरीज की टोन और स्टोरी किस डायरेक्शन में जाने वाली है और किस तरीके से ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर होने वाला एक बहुत ही ज्यादा यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट होगा जो कि अब तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ सीक्रेट इन्विजन के ट्रेलर को एक्सप्लेन और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार किस तरीके से कॉमिक से इसको काफी ज्यादा चेंज किया गया है लेकिन एक पॉजिटिव वे के अंदर। सो गाइस, चलिए बिना अपने रूप को बदले इस पूरी की पूरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर एक ऐसा ट्रेलर है जिसके अंदर मुझे एक अल्फाज तक समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी स्टोरी किस तरीके की हो सकती है, वो कौन सी स्टोरी के पार्ट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं और किसको नहीं कर रहे हैं। और यही सच कहूँ तो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट बात है इस पूरे के पूरे ट्रेलर की कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन जिसके नाम के अंदर ही सीक्रेट है, जिसका कॉमिक बुक इवेंट आज तक का मेरे हिसाब से माना जाने वाला सबसे बेस्ट रिटन इवेंट है, वो ऐसा इवेंट है जिसके अंदर ट्विस्ट से भरपूर है, जिसके अंदर आपको आखिर पल तक समझ में नहीं आता है कि आखिरकार चल रहा है तो क्या चल रहा है। और अगर वो उसके ऊपर सीरीज बना रहे हैं उसके ट्रेलर के अंदर ही हमें समझ में आने लग जाए कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है तो उसका मकसद ही खत्म हो जाएगा। और इसीलिए मुझे ये ट्रेलर इतना ज़्यादा पसंद आया कि इसके अंदर हमारा हाइप तो बढ़ रहा है लेकिन हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे आज कोई ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं बल्कि आपके साथ ट्रेलर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ट्रेलर की ओपनिंग जो हमारे पास होती है वो निक फ्यूरी के साथ होती है जो कि स्पेस में से कहीं अर्थ के ऊपर लैंड करते हैं एक स्पेसशिप के जरिए। अब जैसा कि आपको स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के इवेंट याद होंगे जहाँ पे निक फ्यूरी एक स्पेस स्टेशन के अंदर बैठे हुए थे, तो मेरे ख्याल से ये उसके बाद वापसी अर्थ के ऊपर लौट कर आ रहे हैं और वो आने के साथ ही सबसे पहले किसी और से नहीं बल्कि मारिया हिल से जाके मिलते हैं। और मारिया हिल बोलती है कि मैं आपसे काफ़ी सालों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आपने मुझसे कभी कोई कांटेक्ट नहीं बनाया, बल्कि आप तो मेरी सारी की सारी चीज़ें वॉइस मेल पर डाल देते थे। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप खुद यहाँ पे चले आए? तो हमें ट्रेलर के शुरू के ये 10-15 सेकंड ही बता देते हैं कि आखिरकार इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर हो क्या रहा है। तो दरअसल यहाँ पे हो कुछ इस तरीके से रहा है कि निक फ्यूरी जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से अर्थ के ऊपर मौजूद ही नहीं है। अब हमें इस बारे में नहीं पता एग्जैक्टली कि निक फ्यूरी कब से अर्थ के ऊपर मौजूद नहीं है, क्या वो एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद से गायब हो गए थे, क्या वो सिविल वॉर के इवेंट के अंदर से गायब हो गए थे, या वो सिर्फ स्पाइडरमैन के इवेंट के अंदर ही गायब हुए थे। तो इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन अब हमें इतना ज़रूर पता है कि निक फ्यूरी वापसी लौटकर अर्थ पर आ रहे हैं और उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि अब जो उनके सामने खतरा आने वाला है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि निक फ्यूरी किसी और के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा है और अपने अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। और यही सीक्रेट इन्वेजन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी के ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। आपके सामने बैठा हुआ दोस्त वो आपका दुश्मन निकल सकता है, आपके साथ सोने वाली आपकी बीवी जो है वो आपकी बीवी नहीं बल्कि एक स्क्रल हो सकती है और उसके बारे में आपको पता तक नहीं चलेगा। और इसी तरह देखते कि इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर हमें कुछ जबरदस्त तरीके के लोग नजर आते हैं, जिसके अंदर हमें वॉर मशीन नजर आता है जिसको हम देखते हैं कि निक फ्यूरी जब मिलने के लिए आते हैं उससे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पता कर सके कि ये सच में रोड्स है भी या कोई और है। इसके अलावा हमें यहाँ पे एवरेट रॉस का कैरेक्टर नजर आता है जो कि वकांडा फॉरएवर के अंदर भी हमें नजर आएंगे और ब्लैक पैंथर मूवीज और सिविल वॉर के अंदर हमें नजर आए थे। इसी के अलावा यहाँ पे हमारे पास ओलिविया कोलमैन का एक कैरेक्टर नजर आता है हमें जो कि एक तरह की डिटेक्टिव हमें नजर आ रही है। अब माना जाए तो वो MI-13 नाम की जो एक सुपर हीरो टीम के लिए काम करेंगी जो कि ब्रिटिश के अंदर काम करती है, जिसके अंदर हमें कैप्टन ब्रिटेन, एक्सकैलिबर सॉर्ड और इस तरह की दूसरी चीजों भी देखने को मिल सकती हैं इसी पूरी की पूरी सीरीज के जरिए। इसके अलावा हमें यहाँ पे बेन मेंडेलसन का कैरेक्टर टेलोस जो स्क्रल है वो भी नजर आता है एक पूरे के पूरे एक्शन सीक्वेंस टाइप की चीज के अंदर, जहाँ पे वो एक आदमी को कंफ्रंट करने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो उसको पकड़ता है तो उसके पीछे बैठे हुए सारे लोग अचानक एक ही रूप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्क्रल्स के बेसिकली दो ग्रुप बन जाएंगे, एक तो वो ग्रुप होगा जो कि टेलोस है जो कि निक फ्यूरी के साथ काम करता है वो अच्छे स्क्रल्स हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद कुछ स्क्रल्स ऐसे हों जो कि इस बात का फैसला करें कि हमें अर्थ को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और टेलोस उनसे जाके बात करके इस मामले को रोकने की कोशिश करें लेकिन वो उसी के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत प्लॉट समझ में आ रहा है। और इसी के बाद अगर हम यहाँ पे अपने सबसे बड़े कैरेक्टर रिवील की बात करें जिसका बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है वो एमेलिया क्लार्क का कैरेक्टर है जो कि हमारे गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर काफ़ी मशहूर और पॉपुलर कैरेक्टर भी रह चुका है। तो हमने उनको यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ करते हुए देखा तो नहीं, सिर्फ उनके एक दो सीन्स ही मौजूद थे जहाँ पे वो गन को उठाए किसी को मारने की कोशिश कर रही होती हैं और एक बेस के अंदर घुस रही होती हैं। अब माना जाए रूमर्स की तो यहाँ पे एमेलिया क्लार्क का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो कॉमिक से बेसिकली जो है स्क्रल क्वीन का रोल प्ले करने वाली है जो कि इस पूरी की पूरी सीक्रेट इन्वेजन की सबसे बड़ी हेड होती है और वही ये सारे के सारे काम धाम कर रही होती है, वही इस सारे के सारी प्लानिंग को करती है।
अब देखिए, अगर आपको सीक्रेट इन्विजन की पूरी सीरीज को समझना है तो उसके ऊपर मुझे आपको थोड़ा सा कॉमिक्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सीक्रेट इन्विजन कॉमिक्स क्या है। अब सीक्रेट इन्विजन कॉमिक्स की जो शुरुआत होती है वो बेसिकली सिविल वॉर के इवेंट के फौरन बाद होती है, जहाँ पे हमें कुछ ऐसा पता चलता है कि सबसे पहले न्यू एवेंजर्स की जो एक टीम होती है जो कि जापान के ऊपर एक मिशन पे गई भी होती है, और उस मिशन के ऊपर वहाँ पे जो इलेक्ट्रा होती है उस पूरी की पूरी फाइट के अंदर उसको एक चाकू लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रा मरती है तो बात ये पता चलती है कि दरअसल वो इलेक्ट्रा नहीं बल्कि एक स्क्रल होती है। तो ये देख के सारे लोग एकदम चौंक जाते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और तब न्यू एवेंजर्स की टीम की मेंबर स्पाइडर वुमन जो होती है वो बेसिकली इस पूरी की पूरी बॉडी को टोनी स्टार्क के पास लेकर आती है, जो कि इस वक्त जो है बेसिकली शील्ड का हेड बना हुआ था और निक फ्यूरी इस वक्त भागे हुए थे। और जब टोनी स्टार्क भी इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर छानबीन करना शुरू करता है, और वहीं पर निक फ्यूरी जो कि इस वक्त अमेरिका के एक मोस्ट वांटेड इंसान बन गए थे, वो छुपके इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। और उनको बहुत पहले से इस बारे में पता चल जाता है कि स्क्रल के जो कुछ लोग हैं वो इनके बड़े बड़े एजेंट्स और बड़े बड़े सुपर हीरोज़ के गेटअप में छुपे हुए हैं, और अंदर ही अंदर एक इन्वेजन चल रही है। क्योंकि सबसे पहले निक फ्यूरी को इस बारे में तब पता चल जब वैलेंटिना कॉन्टेसा जो होती है वो बेसिकली निक फ्यूरी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन निक फ्यूरी जब उसका एक दिन पीछा करते हैं तो पता चलता है कि वो दरअसल एक स्क्रल है, और निक फ्यूरी उसका काम तमाम कर देते हैं और इस बात को जान जाते हैं कि स्क्रल्स उनके बीच घुस के इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें वैलेंटिना कॉन्टेसा भी जो है एमसीयू में नजर आ चुकी है ऑलरेडी, और निक फ्यूरी भी हमारे पास अब वापसी अर्थ के ऊपर आ चुके हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए तो ये इन्वेजन इसी तरह छुपके चल रही होती है, और सारे के सारे हमें पता चलता है कि बड़े बड़े हीरोज़, बड़े बड़े सुपर हीरो कम्युनिटीज़, बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं उनके हर एक मेंबर के अंदर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हो सकता है उसको स्क्रल्स ने रिप्लेस कर दिया होता है। और एक दिन अचानक हम देखते हैं कि सैवेज लैंड के अंदर एक स्क्रल शिप आके लैंड करते हैं, जिसके अंदर से कुछ हीरोज़ निकल कर सामने आते हैं, और वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि बेसिकली वो असली हीरोज़ हैं और जो अर्थ के ऊपर लोग मौजूद हैं वो दरअसल स्क्रल्स हैं। और उनके बीच एक लंबी चौड़ी फाइट होती है जिसमें पता चलता है कि जो शिप के जरिए आए थे वो स्क्रल्स की एक इन्वेजन थी, वो एक डायवर्जन थी। और तभी हम देखते हैं कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी स्क्रल्स छुपे हुए होते हैं वो अचानक सामने आते हैं, और एक फुल ऑन स्केल इन्वेजन जो है वो शुरू होती है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि बेसिकली इल्यूमिनाटी की जो टीम होती है उसके अंदर ब्लैक बोल्ट वो एक स्क्रल था, एवेंजर्स की टीम के अंदर हैंग पिम वो एक स्क्रल थे, और जैसा कि आपको स्पाइडर वुमन तो याद ही होगी जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र करा, जो कि इलेक्ट्रा की बॉडी को टोनी स्टार्क के पास लेकर आती है, जिसको सबसे पहले पता चलता है कि एक स्क्रल जो है वो हमारे रूप में मौजूद था। तो बाद में जाके एंड में ये बात पता चलती है कि दरअसल स्पाइडर वुमन जो होती है वही स्क्रल क्वीन होती है, वही इन सारे के सारे स्क्रल्स की हेड होती है जो कि इस इन्वेजन को लीड कर रही होती है, और वो एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में होती है जो कि हर तरफ से हर एक टीम को इन्फ्लुएंस कर सकता था, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है। और इस स्टोरी के एंड में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी और एपिक किस्म की बैटल होती है न्यूयॉर्क के अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे स्क्रल वर्सेस सारे के सारे हीरोज़ होती है, और इससे ज़्यादा बेहतरीन इवेंट मैंने आज तक मार्वल कॉमिक्स के अंदर नहीं पढ़ा है। ये बात आप लिख लीजिए कि इससे ज़्यादा बेहतर इवेंट मार्वल कॉमिक्स के अंदर आज तक कोई नहीं बना है, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा ट्विस्ट हैं, इतना ज़्यादा एक्शन है, इतना सस्पेंस है, आप किसी के ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकते कि अगर आप स्पाइडरमैन को पढ़ रहे हैं क्या वो स्पाइडरमैन है भी या फिर वो एक स्क्रल है। एक पॉइंट पर आके स्क्रल्स वाले आयरन मैन टोनी स्टार्क को ये विश्वास दिलवा देते हैं कि वो खुद एक स्क्रल है, जबकि वो स्क्रल होता भी नहीं है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सीक्रेट इन्वेजन की सीरीज़ को बना रहे हैं तो उसके अंदर उन्होंने हर चीज़ को इतना ज़्यादा सीक्रेट रखा है, उसकी टोन को इतना ज़्यादा सीरियस रखा है कि वो मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जिस तरह सीक्रेट इन्वेजन के कॉमिक्स एक बहुत ज़्यादा टॉप नॉच किस्म के एक लैंडमार्क बन चुका है, उसी तरह ये सीरीज़ जो है ये भी उसके साथ जस्टिस पूरा परफॉर्म करे तो ज़्यादा बेहतर होगा ही। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस ट्रेलर के अंदर ब्रेकडाउन करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको उसकी स्टोरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इसकी जो कॉमिक की स्टोरी है आप उससे कंपैरिजन करके देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। और उसके ब्रेकडाउन ना करने की सबसे बड़ी एक वजह यह भी है कि मैं खुद भी नहीं चाहता कि ये पूरी की पूरी सीरीज़ मेरे अपने लिए भी स्पॉइल हो जाए और ना ही आपके लिए। ये सीरीज़ एक ऐसी होने वाली है जिसके अंदर ट्विस्ट भरपूर होंगे, तो आप इसको उसी तरह से इन्जॉय करें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सीक्रेट इन्वेजन जो सीरीज़ है फेज़ 5 के अंदर होने वाली, मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरी इससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर आप सीक्रेट इन्वेजन के कॉमिक्स को रीड करना चाहते हैं तो मैं अपने मेन चैनल स्पीड टाइगर पे इसके पूरे के पूरे स्टोरी इवेंट को शेयर कर चुका हूं सारी की सारी टाइंस के साथ। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने सीक्रेट इन्वेजन के पूरे के पूरे कॉमिक बुक इवेंट को देख लिया तो आप कॉमिक बुक फैन एक ही मिनट के अंदर बन जाएंगे। तो मैं इसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीक्रेट इन्वेजन के कॉमिक्स को जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा मेरे कहने के ऊपर। साथ साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस तरह की ऑसम वीडियोस को मेरे चैनल पर एंजॉय करने के लिए। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।